हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नरवाल। 6 तारीख हो गई है और आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, 23 को होने वाला है, हम सभी को पता है। और हमें लिटरेचर पोर्शन सबसे पहले खत्म करके और जल्दी से अपने बाकी पोर्शंस की भी प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है अच्छे से। तो उस रिविजन सीरीज में मैं आपके सामने लेके आया हूँ इंडियन राइटर्स में आपकी ये 4th क्लास है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मुल्क राज आनंद। फोर्थ है, पहले 3 इंडियन राइटर्स को मैं कवर कर चुका हूँ। नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज पार्ट में इंडियन लिटरेचर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है आपके एग्जाम में। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो क्वेश्चन नरवाल क्लासेज ऐप डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिलेगी। सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई चार्ज नहीं है भाई। क्लैरिफाई कर देता हूँ इस बात को, लेकिन आप उसको ऑफलाइन फोन की मेमोरी में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वो चीज अवेलेबल नहीं है, प्रिंट आउट ले नहीं सकते हैं। पढ़ सकते हैं उसको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई आपका किसी भी तरह की चार्ज नहीं किया गया है। चलिए, मुल्कराज आनंद जी के बारे में पढ़ने से पहले एक लाइक कर दो भाई, एक कमेंट कर दो आपका प्रेजेंट सर का, और एक भाई शेयर कर दो। शेयरिंग बहुत कम कर दी है आप लोगों ने, शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मुल्कराज आनंद जी के बारे में पढ़ते हैं। ये इनका जन्म हुआ था 905 में पेशावर में। अब पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। डेथ हुई थी इनकी 2004 में, और ये किसके कारण डेथ हुई थी? रीजन ऑफ डेथ इज निमोनिया। फादर का जो फादर थे इनके, उनका नाम था लालचंद। ये हेड क्लर्क थे ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है। और ब्रिटिश आर्मी में ये हेड क्लर्क होने के कारण इनकी जो एजुकेशन हुई है वो बहुत ही बढ़िया हुई है, और ये अपने इंडियन लिटरेचर में वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन माने जाते हैं, राइटर माने जाते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। मदर कौन थे इनका? इश्वा कौर इनके मदर का नाम था। वाइफ कौन थी? कैथलीन वैन, जो एक इंग्लिश एक्ट्रेस थी, और इनकी शादी हुई थी 1939 में और डाइवोर्स हो गया था 1948। ग्रेजुएटेड थे ये 1924 में खालसा कॉलेज से, ठीक है। और फिर यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गए ये, वहां पे उन्होंने क्या किया? पीएचडी किया फिलोसफी, ठीक है। कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो अर्ली एज में जो इनका करियर था वो क्या था, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या था इनका करियर में? सबसे पहले ये T.S. Eliot के जो क्राइटेरियन आपकी मैगजीन आती थी उनके अंदर शॉर्ट स्टोरीज का रिव्यू करते थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस। जो इंडियन राइटर्स है ना, और जो वेस्टर्न राइटर्स किसी का बीच में कोई भी रिलेशन है, या किसी भी तरह के वर्क से रिलेशन है, या किसी भी तरह का कोई वर्क फॉलो किया गया है, ठीक है, उस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 100% पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इन्होंने काम भी किया है स्क्रिप्ट राइटर के स्क्रिप्ट राइटर के रूप में, कहाँ पे? बीबीसी लंदन में। किस दौरान? वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जितने आपको एडजेक्टिव्स हमारे हमने रविंद्रनाथ टैगोर के लिए यूज किए थे ना, वैसे ही इनके बारे में भी है। ये बहुत ज्यादा फेमस है हमारे, और जो भी लिटरेचर का पार्ट आता है जिन भी एग्जाम में, जैसे कि यूपीएससी, इसे यूपी टीजीटी पीजीटी आपका डेटा प्लस बी में आता है, आपका आरपीएससी में आता है, आपका हरियाणा में आता है, तो इनके जो वर्ब्स है वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनकी उपाधियां देखते हैं, इनको क्या कहा जाता है? चार्ल्स डिकन्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैंपियन ऑफ डाउन ट्रोडन कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। वन ऑफ द पाइनियर्स थे एंग्लो एंग्लिकन फिक्शन के, जो आर के नारायण और अहमद अली और राजा राव के साथ ये कंटेम्परेरी थे। इन्होंने अपने आप को बोगस प्रोफेसर कहा है। बोगस प्रोफेसर, किसने अपने आप को बोगस प्रोफेसर कहा है? मुल्क राज आनंद ने कहा है। देखते ही क्वेश्चन बन जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किसने अपने आप को बोगस प्रोफेसर कहा है? इंग्लिश के अंदर
जो कोड मिक्सिंग का जो होता है ना, कोड मिक्सिंग, अगर आपको पता है कुछ लैंग्वेज के बारे में कि कोड मिक्सिंग क्या होता है, जब हम एक लैंग्वेज के अंदर दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी बात को एम्फेसिस करने के लिए, तो हम उसको कोड मिक्सिंग कहते हैं। तो कोड मिक्सिंग का इन्होंने अपना भरपूर यूज किया है। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की नॉवेल्स में, इंग्लिश नॉवेल्स में पंजाबी और हिंदी के इडियम्स को, मुहावरों को यूज किया है। मुल्क राजारन जो है एड्रेस किए जाते हैं मिजरी ऑफ पुअर एंड दे स्ट्रगल फॉर बेटर लाइफ, यानी कि जो लोगों की बदहाली है, जो गरीब लोग जो उस टाइम पे, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपके, या इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस से पहले जो गरीब लोगों की हालत थी और कैसे वो सरवाइव करते थे और कैसे वो सरवाइव नहीं कर पाते थे, वो सभी लाइफ स्टोरीज इन्होंने अपने वर्क्स में दिखाई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके राइटर हैं, इनके वर्क्स तो माशाल्लाह पेपर में आने वाले ही हैं। नोन फॉर हिज नॉवल्स अनटचेबल्स, कुली एंड टू लाइव्स एंड अ बर्ड, यहाँ पे ये तीनों ही आपको लर्न कर लेनी है। ये पेज है ना, इसी पेज से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने जो पेश किया गया है, इसी के साथ, इसी से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे। देखो हमें है ना इसका ऐसा नहीं बनना है कि बहुत ज्यादा हमें अपने नॉलेज को दिखाना है, हमें टू द पॉइंट, टाइम बहुत कम है, ठीक है, टू द पॉइंट हमें पढ़ना है और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ना है। कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला है 1953 में, पद्म भूषण मिला है 1968 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड, देखो जो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड जिन भी राइटर्स को मिला है ना, उनका वर्क कौन सा था, कौन से साल में आया है, ये मिला है मॉर्निंग फेस के लिए, ये क्या थी, एक ऑटोबायोग्राफिकल बायोग्राफिकल नॉवल थी, ठीक है। तो नॉवल्स के एरा में ये वन ऑफ द पाइनियर माने जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इनके नॉवेल्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं। आनंद ट्रायोलॉजी, आनंद ट्रायोलॉजी के अंदर कौन कौन से वर्क है, पहला क्वेश्चन यही आ जाता है, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, स्वॉर्ड एंड द सिकल। तो ये तीनों आपका आनंद ट्रायोलॉजी के तीन वर्क हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने इस नॉवल का क्या किया था, रिव्यू किया था। इसके प्रोटागोनिस्ट कौन है, लाल सिंह है, जो एक पंजाबी पेज है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन कौन से हैं, सेवन समर्स है और मॉर्निंग फेस है, जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कौन कौन सी है, सेवन समर्स एंड मॉर्निंग फेस। अब बात करते हैं सबसे फेमस नॉवेल्स की, जो पेपर में ज्यादातर पूछ ली जाती हैं, और इनके करेक्टर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि किस किस करेक्टर का क्या क्या नाम, ठीक है। ये फर्स्ट नॉवल थी जो 1935 में मुल्क राज आनंद जी ने लिखी थी, ठीक है। ये जो बुक थी ना, ये उनकी जो आंट थी, जो उनकी आंट थी, उसके एक्सपीरियंस से उन्होंने अपनी लाइफ की कुछ कहानियां इनको सुनाई थी, तो उसके एक्सपीरियंस से ही, उनके जो उनकी जो आंट के एक्सपीरियंस थे, उनसे ही उन्होंने ये, उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड ही उन्होंने ये नॉवल लिखी है, ठीक है। उनके ही फैमिली की एक तरीके से कहानी है। बेसिकली इस कहानी के अंदर क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ। ये अनटचेबल है ना, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये कास्ट सिस्टम का क्या करती है, विद्रोह करती है, या कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करती है, और कैसे जो गरीब लोग हैं, जो पीजेंट हैं, या जो भाई पुअर पीपल हैं, वो कैसे सफर करते हैं कास्टिसिज्म का, उसके बारे में बताई गई है। बेसिकली इस कहानी क्या है, एक बाखा नाम के एक लड़के की होती है, ठीक है, अ यंग बॉय बाखा, जो इस नोवेल का क्या होता है, प्रोटेगोनिस्ट होता है। शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ जल्दी जल्दी। इसके फादर का नाम लाखा होता है, इसकी सिस्टर का नाम सोहिनी होता है, इसके भाई का नाम राखा होता है, और जो बाखा का जो फ्रेंड होता है उसका नाम क्या होता है, रामचरण होता है। ये एक छोटा क्या होता है, एक लेदर वर्कर होता है, हवलदार छारत सिंह होता है, एक जो सिपाही होता है, और फेमस हॉकी प्लेयर होता है, पंडित कालीनाथ होता है। होता क्या है, करेक्टर्स के बारे में हमने बात कर ली,
बेसिकली क्या होता है, ये जो है ना अनटचेबल्स होते हैं, ये सफाई का काम करता है, ये एक स्वीपर होता है, आपके नोवल के अंदर स्वीपर होता है, ये घर में लोगों के जाके टॉयलेट साफ करता है, और इसका जो फादर होता है ना वो लीडर होता है इन सभी स्वीपर्स का। तो ये लो जो लाखा होता है, इसके फादर होते हैं, ये बड़ा ही आलसी किस्म का होता है, लेजी किस्म का होता है, लेथार्जिक होता है। तो ये है ना हमेशा अपने बेटों को भेज देता है जाके काम करो, अपने बच्चों को भेज देता है जाके काम करो, खुद कुछ करता नहीं है। तो ये जो आपका हवलदार है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस हॉकी प्लेयर है, तो इसके घर पे एक बार इसने सफाई की थी, और वहां पे उस हवलदार ने क्या किया कि इसको बोला कि मैं तुम्हें एक नई हॉकी दूंगा। तो जब ये घर आया अपना उसके घर पे सफाई करके, तो वो बहुत प्यास लगी थी, तो इसकी जो सिस्टर थी सोहिनी, उसको बोला कि पानी लेके आओ। तो पानी लेके आने के लिए उसको बोला, तो वो बाहर जाके कुएं से पानी लेके आने गई, तो वहां पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो पंडित जो कालीनाथ था, उन्होंने उसको पानी निकाल के दिया इस शर्त पे कि तू मंदिर की सफाई करेगी। तो इस तरीके से है ना, अगले दिन ये गली में टकरा जाता है किसी से, गली में टकराते ही इसको पीटा जाता है। इसकी बहन जब मंदिर में सफाई करनी जाती है, तो उसके साथ जबरदस्ती की जाती है। तो इस तरीके की स्टोरी आगे बढ़ती है कि इनके साथ हर पॉइंट पे, हर दिन, हर मोमेंट पे इनके साथ अनटचेबल व्यवहार किया जाता है, और ये इससे बड़ा ही दुखी हो जाता है, और दोस्त मिलके बदला लेने की कोशिश करते हैं, और इसी प्लॉट पे आगे जाके ये स्टोरी पूरी होती है। तो मेन जो है ना प्रोटागोनिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो करेक्टर्स हैं और जो उसकी लाइफ में पूरा रोल प्ले कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आपको इतना तो पता ही होना चाहिए इसका प्रोटागोनिस्ट कौन है। ठीक है, चलिए कुली की बात करते हैं। कुली फिर से अनटचेबिलिटी के बारे में है, और उन मजदूर लोगों के बारे में है जो दूसरी सिटी में आके काम करते हैं। ये स्टोरी का प्लॉट, जो जगह रखी गई है वो है मुंबई। वहां पे आके एक मनु नाम का लड़का होता है, सिर्फ 14 साल का होता है, वो मुंबई आता है, और वहां पे नाथुराम बाबू होते हैं क्लर्क, जो अंग्रेजों के यहाँ काम करते हैं। उनका ये मानना होता है कि अंग्रेज ही इस देश में, अंग्रेज ही होने चाहिए, इंडियंस तो होने नहीं चाहिए। तो उसकी बेटी होती है शीला, उसको एक बार चोट लग जाती है, तो उसको चोट लगने के कारण मन्नू को मारा जाता है। एक रतन होता है रेसलर, एक मिस्टर मेन वार्निंग होती है, एक प्रभा दयाल होते हैं, ये इसके मेन मेन करेक्टर्स हैं। इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है, ब्रिटिश रूल के बारे में बताया गया है, ठीक है, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है मजदूरों को, कैसे इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बड़े बखूबी तरीके से इसे बताया गया है। एक मैं बात भूल गया बताना, अनटचेबल का जो प्रोलॉग है, जो शुरुआत में इसका इंट्रोडक्शन जो दिया गया है, वो किसने दिया है? ईएम फोस्टर ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको देख लेना। टू लीव्स एंड अ बर्ड, इसकी लास्ट लाइन बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो पता करिए, कमेंट करिए, टू लीव्स एंड अ बर्ड की लास्ट लाइन क्या है। पेपर में पूछ ली जाती है और कह दिया जाता है ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है, या किस नोवेल का पार्ट है, या इसके ऑथर कौन है। ठीक है, बेसिकली ये डील करती है ऑपरेशन ऑफ द पुअर एंड इज अबाउट अ पीजेंट हु ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर फ्रॉम ब्रिटिश सोल्जर। बेसिकली क्या होता है इसका, इस कहानी शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। एक मजदूर होता है, उसकी वाइफ होती है उसकी फैमिली में, और उसकी बेटी होती है लीला, ठीक है। मजदूर का नाम है गंगू, और उसकी वाइफ का नाम है सजनी, और उसकी बेटी का नाम है लीला। तो वो किसान होता है, और बहुत ज्यादा उसके ऊपर कर्जा हो जाता है। कर्जा होने के कारण उसको है ना आसाम भेजा जाता है कि अगर तुम आसाम में जाके हमारे लिए काम करोगे ना, तो वहां पे आपके सारे है ना जमीन आपको वापिस दे दी जाएगी। तो वो है ना मान जाता है, और अपनी फैमिली को लेके आसाम चला जाता है, और वहां जाके उसको पता चलता है कि ये तो है ना बंधवा मजदूरी के रूप में उनको लगाया गया है, यानी कि वो कभी भी इस गुलामी से फ्री नहीं हो पाएंगे, कभी भी उनको अपने घर जाने को नहीं मिलेगा, उसको वहीं पे रहना पड़ेगा। तो इसी बीच क्या होता है ना, ये रेगी हंट होता है, हंट जो होता है ये एक ऑफिसर होता है, ब्रिटिश ऑफिसर होता है, ये क्या करता है, इसकी बेटी के पीछे पड़ जाता है, इसकी बेटी को का रेप करने के पीछे पड़ जाता है। तो किस तरीके से वो अपनी बेटी को बचाता है, तो ये जो ऑफिसर होता है ये इसको बाद में गोली मार देता है, और जब इसका ट्रायल किया जाता है तो इस ऑफिसर को छोड़ दिया जाता है।
ठीक है, तो यही हमारा प्लॉट है पूरे के पूरे इस नॉवल का। ठीक है, बेसिकली कहाँ पे सेट है ये? आसाम में सेट है। ठीक है, और इसके ऊपर एक मूवी बनाई गई है, राही, राही मूवी बनाई है देवानंद जी की, और इंग्लिश में इसको रिलीज किया गया है वेफारर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। देखो, इसके सारे के सारे वर्क्स भी आपके सामने लिखे गए हैं, और मैंने इसके साथ इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी लिख दिया है, एंड आपको लिख दिया है उसका जो मेन प्रोटैगोनिस्ट जो है वो सारे के सारे लिख दिए हैं। जैसे अनटचेबल में कौन है? बाका है। उली में कौन है? मनु है। टू लीव्स अ बर्ड में कौन है? गंगू है। बिग हार्ट में कौन है? आनंता है। सेवन समर्स द स्टोरी ऑफ एन इंडियन चाइल्डहुड में कौन है? कृष्ण है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, इसमें कौन है? महाराजा अशोक कुमार। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, गौरी। द रॉड, भिखू। डेथ ऑफ अ हीरो, एपिटाफ ऑफ मकबूल शेरवानी, इसमें तो प्रोटैगोनिस्ट टाइटल में ही दे रखा है, मकबूल शेरवानी। मॉर्निंग फेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग फेस कृष्ण चंद्र, बाबस ट्रेड यूनियन चंदू, और द लॉस्ट चाइल्ड क्लास 9th के मोमेंट्स जो बुक है आपकी, उसमें चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, ये भी किसने लिखा है? आपका शॉर्ट स्टोरी है, ये भी किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद ने लिखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो ये वाला पेज, और जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इनको क्या क्या कहा जाता है, उन दोनों पेज से ही आपका मोस्टली क्वेश्चंस आ जाएंगे बिल्कुल, है ना। इसको अच्छे से बाय हार्ट याद कर लेना। आज के लिए इतना ही है, नाइस डे, टेक केयर। जल्दी जल्दी शॉर्ट क्रिस्प आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे, टू द पॉइंट, जो एग्जाम से रिलेटेड होंगी, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। ठीक है, टेस्ट दे सकते हो जाके, इससे रिलेटेड टेस्ट में डाल दूंगा। मोल्ड राज आनंद जी पे तो स्पेशली डाल देंगे, दो तीन जो आपके राइटर्स है ना, उनका अलग से एक टेस्ट बना देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।